नमस्कार, मैं सिमरन खान और आप देख रहे हैं के भारत न्यूज। उत्तराखंड से बड़ी खबर आ रही है, जहां जनपद उधम सिंह नगर के दिनेशपुर क्षेत्र के किसानों का एक संगठन कृषि बिल कानून के विरोध में चल रहे आंदोलन के समर्थन में कल दिल्ली को निकला। गौरतलब है कि 3 कृषि बिलों को लेकर लंबे समय से दिल्ली सीमावर्ती क्षेत्रों में देश के सारे किसान इस कड़ाके की ठंड में सड़कों पर धरना प्रदर्शन करते हुए काले कृषि कानून को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इसी को लेकर आज कुमाऊं मंडल युवा कांग्रेस नेता किशोर कुमाऊं हलदार के नेतृत्व में दिनेशपुर के सैकड़ों किसानों का एक संगठन काले कृषि कानून का विरोध प्रदर्शन करते हुए दिल्ली के लिए रवाना हुआ। युवा कांग्रेस नेता हलवार ने बताया कि काले कृषि बिल कानून के संबंध में दिल्ली में चल रहे आंदोलन के समर्थन में आज हम लोग दिल्ली के लिए निकल रहे हैं। जब तक बिल वापस नहीं होता, तब तक किसानों के समर्थन में आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। केंद्र सरकार के अड़ियल रवैये से देश भर के किसान आत्महत्या कर रहे हैं और अब तराई क्षेत्र के किसान भी आत्महत्या करने लगे हैं। उन्होंने बताया कि किसानों का यह बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। आइए जानते हैं इस पर किशोर कुमार हलदार, कुमाऊं मंडल युवा कांग्रेस नेता का क्या कहना है। गाजीपुर बॉर्डर में अपने साथियों के साथ पहुंचकर किसान आंदोलन का समर्थन और कहा इस लड़ाई में आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी और जब तक मोदी सरकार किसान विरोधी काले 3 काले कानूनों को वापस नहीं लेगी, तब तक हम पीछे हटने को तैयार हैं। इस चीज़ को लेकर आने वाले जनवरी माह की रणनीति बनाई गई है। इसमें किसान संगठनों ने कहा है कि अब हम अपना आंदोलन धीरे धीरे तेज करेंगे और सरकार को घेरने का प्रयास करेंगे। और आज अभी तक 45 से ज़्यादा किसान साथी शहीद हो गए। आज ही एक व्यक्ति जो हमारे बिलासपुर क्षेत्र के हैं, 70 साल के कृष्ण सिंह जी, आज उन्होंने आत्महत्या कर लिया और उन्होंने कहा कि अभी तक बाकी क्षेत्रों के किसान आत्महत्या कर रहे थे, लेकिन हमारे तराई क्षेत्र के किसान आत्महत्या नहीं कर रहे। आज इसी कड़ी में उन्होंने अपनी शहादत दी और कहा किसानों का ये बलिदान। ऐसी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें के भारत न्यूज़।